हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांति। तो आज आपके लाए हैं बहुत ही बढ़िया एक गैजेट जो होगा एक इंजन, लेकिन ये कोई आम इंजन नहीं है। एक्चुअली इसको आप बोल सकते हैं मैकेनिकल इंजन प्लस डिजिटल इंजन, मतलब इस पर डिजिटल भी हम लोग इस पर काम किया है जो कि मैकेनिकल को घुमाएगा। तो डिजिटल पे हमने यूज किया है एक फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी के तरह ये काम करते हैं। तो मैंने पिछला एक वीडियो बताया था जिस पर एक ही इंजन मैंने बनाया है, तो आज का जो वीडियो है इस पर जो तीन तीन छह इंजन हमने बनाया है जो कि इसका पावर और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो किस प्रकार से आसानी से घर पे एक डिजिटल इंजन हम लोग बना सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो इंजन आप देख रहे हैं, इंजन मैंने अभी कम्प्लीटली बना दिया है। तो ये एक इंजन है, तो इस पर कॉयल जो है वो चार बार हमने राउंड राउंड करके घुमाया है। तो क्योंकि इस पे 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक हम लोग इस पे इनपुट देंगे ताकि ये अच्छे से काम करे। और इसका जो पिस्टन होगा, पिस्टन पे हमने एक मैग्नेट लगा दिया, जब भी इस पे वोल्टेज आएगा तो पिस्टन जो है वो इसको खींच लेगा। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो जब भी इस पे वोल्टेज दे रहे हैं, देने के बाद अभी देख रहे हैं ये खींच रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका पिस्टन काम करेंगे, उसके बाद वोल्टेज को फिर से हम लोग काट देंगे, काट करके स्प्रिंग के जरिए इसको यहाँ पे लाएंगे। लाने के बाद फिर से जब भी वोल्टेज देंगे तो ये खींच लेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। तो अभी चलिए इस तरह हम लोग जो कि टोटल 6 इंजन को हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद इसका जो पावर है वो 6 गुना बढ़ा देंगे, बढ़ा के हम लोग एक इंजन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए बाकी जो कि 5 है उसको हम लोग बनाते हैं। मैकेनिकल चीज कंप्लीट हो गया है और इसका जो मैग्नेटिक है, इसके अंदर जो मैग्नेट है वो इस कॉइल के माध्यम से अप एंड डाउन करेगा, मतलब कॉइल पे जब भी वोल्टेज आएगा मैग्नेट को खींचेगा। इस प्रकार से हमने 2 तरफ मैग्नेट लगा दिया, टोटल 6 सिलेंडर हमने लगाया है ताकि ज्यादा पावर मिले।
तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्रिएशन कर सकते हैं। और इसका टोटली सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो अभी चलिए इसका सर्किट डायग्राम इस पर फिट करते हैं और इसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। इंजन कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग इस इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे, जो कि इंजन पे सर्किट हमने अभी लगा दिया है। तो अभी इसको स्टार्ट करके हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक डिजिटल इंजन हम लोग घर पे बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।